जनाबे उमर का नाम सिर्फ काम नहीं, हजरते उमर का नाम इनकलाब बर्पा कर देता है। हजरते उमर का नाम कुफर के एवानों में जबर जुल्म शिर्क की वादियों में जब हजरत उमर का नाम भी लिया जाए तो भाई ईमान कांपना शुरू हो जाते। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन, हजरत उमर मामूली शख्स नहीं, मामूली आदमी नहीं। कुछ लोग सदियों के बाद पैदा होते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक ही बार पैदा होते हैं, उन जैसा दूसरा पैदा होता ही नहीं, दूसरा उन तरह का पैदा होता ही। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो जैसी शख्सियत पैदा ही नहीं होती दोबारा। सारे सहाबा दरे रिसालत माब पे खुद आए। ये वो अजीम शख्स है जिसे अल्लाह के महबूब ने अल्लाह से मांग के लिया, कहे अल्लाह ये मुझे दे दे, अल्लाह से मांग के लिया। इसलिए सूफिया कहते हैं कुछ मुरीद होते हैं कुछ मुराद होते हैं, कुछ मुरीद होते हैं कुछ मुराद होते हैं। मुरीद वो होता है जो चल के आता है, आके मुरीद होता है। मुराद वो होता है जिसे कहा जाता है कि ये कभी मेरा बन जाए ना, ये कभी आ जाए ना मेरा बन जाए, उसको मुराद कहते हैं। हजरत उमर मुस्तफ़ा करीम की मुराद हैं, हुजूर की मुराद है। अल्लाहुम्मा आइज़ल इस्लाम बे इस्लाम उमर इब्ने खत्ताब, ए अल्लाह इस्लाम को इज्जत दे दे, मेरे उमर को कलमा पढ़ने की तौफीक अता फरमा दे। और कैसे दुआ मांगी, ओ यार हजरत उमर की तो इस फजीलत का कोई जवाब नहीं दे सकता, मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम सबके लिए ही दुआ मांगते हैं ना, हुजूर की दुआ आम है। लेकिन मुस्तफ़ा करीम ने काबे का गुलाफ थाम लिया और गुलाफ़े काबा को हुजूर ने सीने से लिपटाया और सीने से चिमटा के कहे अल्लाह मैंने तो कभी सवाल ही ज़्यादा नहीं किए, मैं करने आया हूँ, मुझे उम्र दे दे, उम्र दे दे। हुजूर ने मांग के लिया। और फिर जब जिसको हुजूर मांगे अल्लाह से कि हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो का आज यौम शहादत है, मेरा तो दिल करता था कि फजर से बातें शुरू हों और सारा दिन ही उम्र की बातें होती रहें, सारा दिन जनाबे उमर की बातें, सारा दिन। इसलिए कि जिक्र जनाबे उमर का होगा पर राजी अल्लाह के रसूल होंगे सल्लल्लाहु, तो जाग के बैठे खुश होके बैठे। हमारे यहाँ मनाया ही नहीं जाता, बाबे अल्लाह कीता सावन भादरों असू कत्ता ते मुंडे जनवरी फरवरी, तो इस्लामी साल भी गया और वो तारीखें भी सारी गईं। यकम मुहर्रम उम्मत मुस्लिमा के लिए बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा दिन। ये शहादत है हजरत उमर फारूक की रदी अल्लाह ताला। यहाँ छोटी छोटी बातों पे गवर्नमेंट छुट्टी करती फिरती है, छोटी छोटी बातों, इलेक्शन हो गया तो छुट्टी, फलां जगह पे थोड़ा सा किसी ने खबर दे दी कि कोई परेशानी है तो छुट्टी, फलां जगह ये हो गया तो छुट्टी। यहां तक के फलां वजीर साहब फलां इलाके में आएंगे तो सारे इलाके को छुट्टी। और अब तो इससे बड़ा हाल होने लगा है, अगर जिन लोगों की सिंध में हुकूमत है उनके लीडर का दिन आया तो उस दिन छुट्टी, और जिनकी पंजाब में हुकूमत है उनका दिन आया तो छुट्टी। हमारा मुतालबा है हुकूमत पाकिस्तान से, अगर सर उठा के जीना चाहते हो तो यकम मुहर्रम को छुट्टी किया करो, अगर सर उठा के जीना चाहते हो तो यकम मुहर्रम को छुट्टी करो जनाबे उमर के दिन। और मिल्लत के जवानों को बताओ कि अगर इज्जत की जिंदगी जीना चाहते हो तो उस तरह जियो जिस तरह फारूक आजम जी के गए हैं, इज्जत और वकार की जिंदगी। जमहूरियत हजरत उमर से सीखनी पड़ेगी, हुकूमत करने के तरीके हजरत उमर से, रियाया को सीखना पड़ेगा कि अमीर किस तरह बनाया जाता है और अमीर किस तरह के होते हैं। यहां लोग हमें यूरोप की मिसालें देते हैं, लोग यहां हमें आकर के अमेरिका की मिसालें, उन्हें क्या पता हुकूमत क्या होती है। वो कहते हैं जी वो साइकिल पे जाता है उनका हुक्मरान, मैंने कहा वो साइकिल पे जाता है, मेरे उमरे फारूक मदीने से मक्के गए थे तो पैदल ही हज करने चले गए, पैदल ही। और जनाब उमरे फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो ईद की नमाज पढ़ाने गए, ईद की नमाज, ईद की नमाज उमर खुतबा ईद देने गए। और इस जमाने में कौन सा गरीब है जो नंगे पांव जाता हो,
कौन सा गरीब है जो मस्जिद नंगे पांव जाता हो? लोगों ने तो तीन किस्म की चप्पलें रखी हुई हैं, एक मस्जिद जाने की अलहदा है, घर पहनने की अलहदा है, शादी ब्याह पे जाने की चप्पल अलहदा है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु निकले ईद का खुतबा देने के लिए, तो बीवी से कहने लगे जूता, उसने कहा साहब इतनी दफा टूटा है अब गांठा नहीं जा सकता, इतनी दफा टूटा है कि अब दोबारा पेमंद नहीं लग सकते। तो हजरत उमर कहने लगे चल कोई अर्ज नहीं, बगैर जूते के नंगे पैर ही चलते हैं, कोई अर्ज नहीं। तो कहने लगे लोग क्या कहेंगे? फरमाया चुप कर। लोग जिस दिन उमर ने यह देख लिया ना लोग उसके बारे में क्या कहते हैं, उस दिन उमर उमर नहीं रहेगा। तो कहा फिर आपका नजरिया क्या है? फरमाया मेरा नजरिया यह है कि रब रसूल मेरे बारे में क्या कहते हैं, लोगों का क्या है, लोग कल किसी के बारे में कुछ कहते हैं और परसों कुछ कहते हैं, मेरा नजरिया यह है कि रब रसूल मेरे बारे में नंगे पैर उमर जा रहे हैं। कौन जी? मैं बड़ा माड़ा। अच्छा जनाब क्या क्या गुर्बत है? 10 किस्म के जोड़े लटके हुए हैं कमरे में और पहनने की फुर्सत नहीं, सवेरे क्या पहनना है शाम क्या पहनना है, 15-15 सूट कट्ठे स्त्री होके लॉन्ड्री वाला भेज रहा है। और तू गरीब है, तू बहुत बड़ा गरीब है, इसलिए कि गुर्बत पैसों की वजह से नहीं होती, गुर्बत तो दिल की होती है। तू वाकई बड़ा गरीब है और तू गरीब ही रहेगा। अमीर तो उमर फारूक थे, उमर फारूक थे जो नंगे पांव चले गए ईद की नमाज पढ़ाने, तो रस्ते में जो मिला कहने लगा उमर जूता तो पहन लो। फरमाया तुम्हें उमर का जूता ना पहनने का नक्श तो नजर आया है, कोई अर्ज नहीं। अगर उमर को कभी बताना हुआ तो वो वाला नुक्स बताना जो उमर की सीरत में पैदा हो, किरदार में पैदा हो, वो वाला नुक्स बताना। ये छोड़ो जूते आते जाते रहते, नंगे पांव गए, पांव धोए, नमाज पढ़ाई, लौट आए। ओ भाई यहां तो हमारा बनाव सिंगार उतरना जितनी तवज्जो कपड़ों की तरफ है, इतनी तवज्जो कभी हमारी इल्म की तरफ होती ना, जितना जौक शौक हमारा बनाओ सिंगार की जानिब है, इतना बनाओ सिंगार कभी हमारा इखलाकियात की जानिब होता तो मामलात बड़ी हद तक संवरे हुए होते। हजरत सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह होता अपनी जिंदगी को तरतीब दिया, तरतीब दिया, एक दिन भी खिलाफत नहीं मांगी अल्लाह से। हजरत औफ बिन मालिक अशजई एक सहाबी हैं, हजरत औफ बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जनाब अबू बकर सिद्दीक का जमाना था तो मैंने ख्वाब देखा, मैंने ख्वाब में जनाब उमर को देखा और मैंने देखा कि कोई कहने वाला कह रहा है कि उमर वो है कि अल्लाह के रस्ते में कोई इसे जितना मर्जी बुरा भला कहे ये परवाह नहीं करता। किसके रस्ते में? बोले सारे। इसका मतलब है अल्लाह के रस्ते में लोग बुरा भला भी, कुरान मजीद ने कहा वला यखाफून लौमत लाइम, कुछ लोग ऐसे हैं जो बुरा भला कहने वालों की परवाह तो परवाह नहीं करते। आप यकीन करें अगर अगर परवाह शुरू हो जाए ना तो दीन का काम खत्म हो जाए, ना कोई तकरीर करे, ना कोई तदरीस करे, ना कोई पीरी मुरीदी करे, खत्म हो जाए अगर बातों की परवाह। लेकिन वो परवाह हजरत औफ बिन मालिक अशजी कहते हैं मैंने ख्वाब में देखा कि उमर वो है जो किसी की परवाह, और दूसरी बात मैंने ये देखी कि उमर खलीफा बनेगा, और तीसरी बात मैंने ख्वाब में यह देखी कि उमर शहीद भी किया जाएगा, उमर शहीद भी होगा। ये मैंने तीन बातें ख्वाब में देखी। फरमाते हैं मैंने आके ख्वाब हजरत अबू बकर सिद्दीक को सुनाई, वो खलीफा थे, वो कहने लगे ठहर जा मैं उमर को बुलाता हूँ उसके सामने दोबारा सुनाना उसके सामने। फरमाते मैंने बुलाया हजरत उमर फारूक को, आके बैठे, ख्वाब शुरू हुआ का एक बात तो मैंने ये देखी कि आप मलामत करने वाले की परवाह नहीं करते, दूसरा आप खलीफा बनेंगे। जनाब उमर कहने लगे चुप कर, अबू बकर के सामने ही कह रहा है, चुप कर, खलीफा के सामने कह रहा है। तो अबू बकर सिद्दीक कहने लगे उमर इसे कहने दो, मुझे लगता है रब की रजा यही है कि मेरे बाद अगर मुस्तफा का मिंबर मिले तो उमर को ही मिले, इसे कहने दो, कहने दो। यार यहां तो लोग डींगे मारते हैं, यहां तो लोग दावे करते हैं, मेरे सामने फलाने को भी बिठाओ, फलाने को भी बिठाओ, उसको क्या पता, इसको क्या पता, ये तो बड़के मारने का दौर है। हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु को तीसरी बात कही हजरत औफ बिन मालिक ने, कहा अब शहीद किए जाएंगे, मैंने ख्वाब देखी है, नेक लोगों के ख्वाब बड़ी हद तक सच्चे होते हैं, कहा मैंने ख्वाब देखी है। तो हजरत उमर कहने लगे शहीद तो दलेर लोग होते हैं, शहीद तो दलेर, जिसे सारा जमाना दलेर कह रहा है वो अपने बारे में क्या कह रहे हैं, कहते हैं शहीद तो
दलेर, मैं तो काहिल सा आदमी हूँ, सुस्त आदमी हूँ, मैं तो इतना काम ही नहीं करता, तो ये ख्वाब तूने जो ठीक है देखा है ना, फिर से देखना। तो अबू बकर सिद्दीक फरमाने लगे, आजजी ना कर, इनकसारी ना कर, तो जो कह रहा है ठीक कह रहा है, लेकिन मुझे सुन के शुक्र भी हुआ है और अफसोस भी हुआ है। अफसोस इस बात का कि तेरे जैसा बतले अजीम चला जाएगा, और शुक्र इस बात का कि रब तुझे जिंदगी भी एजाज वाली देगा और शहादत की मौत दे के अल्लाह तुझे मौत भी इज्जत वाली अता फरमाएगा। अल्लाह मौत भी तुझे इज्जत वाली देगा, तुझे काहिलों जैसी मौत अल्लाह। हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह, ओ भाई यहां तो इस जमाने का सबसे बड़ा मसला प्रोटोकॉल है। लोगों पता होता है कामिल पीर है, कामिल मुर्शिद है, लोग नहीं जाते। मैं किसी का मुरीद हो जाऊं, मेरा प्रोटोकॉल किधर गया? पता होता है ये कामिल उस्ताद है, मैं इसके पास बैठूंगा तो मेरी तरबियत करेगा, लेकिन लोग शागिर्द नहीं बनते। मैं किधर गई? ये जो प्रोटोकॉल की मुसीबत है ना, इसने बड़े बड़े लोग जीरो कर दिए, बड़े बड़े लोग। और ये मत समझे कि आपका वजीर आजम प्रोटोकॉल लेता है या आपका सदर प्रोटोकॉल, वजाराल, ऐसी कोई बात नहीं। हम छोटे तबके से लेकर बड़े सारे प्रोटोकॉल के कायल हैं। हमारा तो दामाद भी कहता है कि मुझे पूछा नहीं, मैं तुम्हारे घर क्यों आऊं। हमारा तो भाई हर शख्स ऐलान करता है प्रोटोकॉल का, फलाने ने इज्जत नहीं दी तो वापस आ जाओ, फलाने ने सलूट नहीं किया तो वापस आ जाओ। लोग जहां सलूट करना चाहिए वहां भी सलूट कराने के कायल हैं, पर हजरत उमर रदी अल्लाह ताला, हजरत उमर की सादगी और फिर जनाबे उमर की आजजी, जब इंसान अपने ऊपर सवार कर लेता है ना, सवार कर लेता है, मैं बदकार पुराना खादम, किसे दर मिली नी टोई, इते वासफ यार ने नजर जो कीती ते वासफ वासफ ही। मैं अक्सर सोचता हूं हुजूर ने जहां भी कहा ना, फरमाया मेरे बाद नबी होते तो खताब के बेटे उमर होते। हुजूर ने फरमाया उमर जिस रास्ते से जाता है शैतान वो रास्ता बदल जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा उमर वो है कि इसकी जुबान पर हक जा रही है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया 950 साल हजरत जिब्रील मेरे उमर की शान बयान करें तो इनकी अजमत खत्म नहीं होती। 950 साल जिब्रील अजमत बयान करे तो खत्म नहीं होती, ये बात है हजरत उमर की। और फरमाया उमर अबू बकर की नेकियों में से एक नेकी है, ये शान है अब उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु की। हुजूर ने फरमाया मेरे बाद नबी होते तो उमर होते, जिस गली से उमर आए शैतान रास्ता बदल जाए। मेरे उमर फारूक की शान 950 साल बयान हो तो खत्म ना हो। उमर की जुबान पर अल्लाह हक बयान करता है, जो उमर कहता है वही रब कर देता है। हुजूर सारी जिंदगी फजीलतें बयान करते रहे, उमर जवाब में क्या कहते हैं? कोई बताए ना कि ये वाली हदीसें कभी उमर ने भी रवायत की हो कि हुजूर ने मेरे बारे में ये कहा है। ये रवायतें वो रवायत नहीं करते। उनसे जब लोग कहते उमर तेरी बड़ी बात है तो उमर रो पड़ते, कहते मैं तो ऊंट चराने वाले बाप का बेटा हूं, मैं तो ऊंट चराने वाले बाप का बेटा, ऊंट चरा, इससे आगे उमर गए ही नहीं सारी जिंदगी, इससे आगे लफज ही नहीं अदा की। और मैं तो भाई ऊंट चराने वाला, मेरा बाप तो ऊंट चराया करता था, 10 ऊंट थे, मेरी ड्यूटी होती थी, संभाले नहीं जाते थे, अब्बा डंडों से मारता था। सारी जिंदगी उम्र हज करने गए, एक खुश्क तना खजूर का उम्र फारूक रदी अल्लाह ताला उन्होंने उसको अपने कलावे में लिया, रोने लगे। लोगों ने कहा उम्र क्या हुआ? फरमाने लगे यहां मैं ऊंट चराया करता था, यहां मैं ऊंट चराता था, 10 ऊंट संभाले नहीं जाते थे। देखो रसूलुल्लाह की शान, आज सारी उम्मत चलाने का तरीका अता फरमा दिया है, सारी नजरिए से प्यार। यार पैसा किसको बुरा लगता है? आप जिस आदमी की 50 करोड़ की प्रॉपर्टी है उसको पूछें सबसे गरीब, आपको वही नजर आएगा, वो कहेगा मैं टाइट हूं, हालात बड़े। मैं कई बार पूछे उन्होंने, मैं कह दा तर्जमा भी दस छोड़ो की हमें तो समझ नहीं आती, और टाइट हालात कौन से होते हैं जी? जिस आदमी का करोड़ों में कारोबार है ना, उसको आप छेड़े पर रोने लग जाएगा, रोने। तो कई मैंने ऐसे देखे हैं, किराए का मकान है, उनसे पूछे साहब क्या हाल है, तो कहते हैं जितनी अल्लाह ने शान वाली जिंदगी हमें अता की है किसी को नहीं दी हुई। इसका मतलब है खुशी भी यही है और गम भी यही है, अंदर से खुशी है अंदर से ही। तूने अगर राजी रहना है तो इधर से रहना है, नाराज रहना है तो बस अपने आप को खुश रखेगा तो हो जाएगा।
सारे सहाबा मिल के आए, कहने लगे उमर फारूक से कहना है नबी पाक के जमाने में तो जाहिरन गुर्बत थी, अबू बकर के दौर में भी गुर्बत थी, अब तो बड़ा माल है। उमर से सिफारिश करो कि उमर नया कुर्ता पहना करे, मुल्कों के सफीर आते हैं, उमर वही फटी पुरानी चादर ओढ़ के और वही कई जगह पिप्पेबंद लगे सूट पहन के सफीरों के सामने बैठ जाता है। उमर को मशवरा दो, तय हो गई बात। सब ने जब मशवरा दे लिया तो सारे कहने लगे ये बताओ शेर की मूंछ को हाथ कौन लगाएगा, कहना किसने है, बंदा भी तो ढूंढो ना। ने कहा जनाब मेरा ये ख्याल है कि मौला अली शेर खुदा कहेंगे, क्योंकि जिस शख्स की उम्र को सबसे ज्यादा हया करते देखा वो शेर खुदा मौला अली है रदी अल्लाह ताला अली कहेंगे। इसलिए कि जनाब अली तो कई दफा जब गुफ्तगू करते थे तो हजरत उमर चुप कर जाते थे और फरमाते थे अली ना होता तो मैं हलाक हो जाता, तो कहा अली से कहो। जनाब अली शेर खुदा को बुलाया किस काम के लिए जी? अल्लाह अकबर। ये जरा अपने इस दौर पे इस बात को जरा लाका जनाब उनसे कहें कि ज्यादा नहीं एक कुर्ता नया पहन ले, सफीर आते हैं वजीर आते हैं तो एक कुर्ता नया पहन ले। हजरत अली को बुलाया, आप फरमाने लगे कोई और बात होती तो मैं कह देता, ये वाली मैं नहीं कह सकता, कोई और होती तो मैं उमर को कई दफा कह देता हूं जलाल में भी तो सुन, ये वाली मैं नहीं कह सकता, मैं तुम्हें एक मशवरा देता हूं। कहा वो क्या? कहने लगे सैयद आयशा सिद्दीका से कहो, वो मोमिनों की मां है, उमर टालेगा नहीं। अम्मा जी से जाके कहा अम्मा जी नया कुर्ता उमर से कहें पहन लें, वजीर आते हैं बड़े बड़े लोग तो चलो कोई अर्ज नहीं। अम्मा जी ने कहा अच्छा कोई बात नहीं मैं बुला लेती हूँ। जनाबे आयशा ने पैगाम भेजा, जब खादम ने कहा ना मुस्तफा के घर से पैगाम आया है तो बीसियों लोग बैठे थे, उमर कांपते हुए उठे, कांपते दौड़े। हजरत आयशा पर्दे में थी तो फरमाती है उमर अत्ता याद की हालत में बैठ गए, कहा अम्मा जी देर तो नहीं हो गई मुझे आने में? कहा नहीं टाइम पे आ गए हो, किस लिए बुलाया था? कहा उमर देखो गुर्बत के मामलात और होते हैं, जब अल्लाह आसानी दे तो कोई चीज़ इस्तेमाल करना हराम नहीं होती, अगर हराम है तो बताओ। कहा नहीं अम्मा जी हलाल ही है। तो फरमाया फिर इतने सफ़ीर आते हैं मुशीर आते हैं, अब तो माले गनीमत बड़ा आता है, ढेर लग जाते हैं मस्जिद में, तो चल एक नया कुर्ता तुम भी पहन लिया करो, और आप नया कुर्ता पहनोगे तो धाक बैठेगी गैरों पर, तो सियाबा का मशवरा है कि आप नया लिबास पहने। अम्मा जी कहती है मैंने हुक्म दिया तो उमर चुप कर गए, गर्दन झुक गई। थोड़ी देर के बाद सैयदना उमर फारूक ने सर उठाया तो दाढ़ी पे आंसू गिर रहे थे, रो पड़े, कहने लगे पाक महबूब की पाक बीवी जैसे हुक्म करती हो मैं हाजिर हूं, पर मुझे वो वाला लिबास पहनाना जो मेरे मुस्तफा ने पसंद फरमाया है, अगर ये रंग रसूल पाक का है तो मैं हाजिर हूं, और अगर नबी पाक का नहीं तो फिर जैसे आप हुक्म करें। जनाबे आयशा कहते हैं उमर रोए तो मैं ज्यादा रोई, मेरा पल्लू भीग गया आंसुओं से। मैंने कहा उमर आप जाइए। उमर यूं निकले तो जो सहाबा खड़े थे वो कोने में थे सारे आ गए, कहा अम्मा जी क्या बनाओ? फरमाया भाई तुम सब जो बातें कहते हो वो अपनी जगह ठीक हैं, पर उमर जो बात करता है वो सबसे ज्यादा ठीक है, उमर जिस पहलू पर बात करता है वो यार ऐसी आजजी, ऐसा रंग, ऐसा अंदाज, ऐसा तर्ज हयात, ऐसी जिंदगी, औलाद के मामले में लोग बुजदिल हो जाते हैं बुजदिल, पर हजरत उमर का बेटा मिस्र गया वहां से कमाई करके लाया, तजारत करने गया लाखों का माल, कौन सा बाप है दुनिया में जिसका बेटा बाहर से पैसे लेके आए तो अब्बा तफसील पूछे कि बेटा कहां से कमाए, कहां से लाया, कितने मिले, क्यों आए, कौन सा बाप तफसील पूछता है? अब्बा तो कहता ला सही और तारीफें करता है मेरा बेटा बड़ी कमाई करता है, कभी पूछा है उससे कि ड्यूटी सही देता है कि नहीं, कभी पूछे कि तू ईमानदारी की रोजी लाता है कि हराम की कमाता है, ये बाप की जिम्मेदारी है, ये अम्मा की जिम्मेदारी है? फिर कहता है बीमारी कैसे आ गई, परेशानी कैसे आ गई, तूने कभी सवाल किया अपनी औलाद से? हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु का बेटा मिस्र से पैसे कमा के लाया तो जनाबे उमर ने बुलाया, फरमाया बेटे इतनी तो तेरे पास राश ही नहीं थी, थोड़े से तो तू पैसे लेके गया था, इतनी कमाई कैसे हो गई, इतने तो पैसे नहीं थे साहब, कहां से कमाई लाए? उसने कहा अब्बा जी वो जो मेरे चचा है ना मिस्र के गवर्नर आपके दोस्त,
उन्होंने मेरी मदद की है। फरमाया जितने लोग गए थे सबकी की है मदद उसने। कहा नहीं सिर्फ मेरी की। फरमाया तेरी क्यों की, तेरी क्यों की। कहा हुजूर आपके दोस्त हैं। फरमाया चुप कर हुजूर, उन्होंने मुझे इतने पैसे दिए, मैंने कारोबार में डाले तो नफा आया तो मैं उनकी रकम दे के। फरमाया खामोश हो जा, बाकी जितने लोग गए थे सबकी मदद की उसने। कहा नहीं हुजूर सिर्फ मेरी की। फरमाया उसने तेरी मदद नहीं की, उसने खलीफा के बेटे की मदद की, इसलिए कि वो खलीफा को अपने हक में नरम कर सके। फरमाया आधा माल तेरा है, आधा माल गनीमत का है, माल खजाना का है, मुसलमानों का है, इसलिए कि तू जो वहां से माल कमा के लाया है वो अपने बाप के खलीफा होने की वजह से कमा के लाया है, लिहाजा रख इधर। यहां कहते हैं किधर से आया, कैसे आया, कौन सा हिसाब दें, क्या करें। ओ भाई हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का अपनी औलाद के बारे में ये रंग है। एक जंग से ना खुशबू आई, खुशबू बड़ी महंगी होती थी अरब में, खुशबू आज भी बड़ी महंगी है, वो ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। मेरी बातों की समझ आ रही है मेरे भाई? बड़ी महंगी खुशबू थी। जब वो खुशबू आई तो हजरत उमर ने कहा, घर में पहले पहुंची हजरत उमर के, चूंकि ज्यादा औरतें इस्तेमाल करती थी घर के अंदर खुशबू, मर्द भी लगाते थे। हजरत उमर ने अपनी बीवी से कहा, आपकी जौजा तो थी वो बड़ी भी बड़ी खुशबू को पसंद करती थी। हजरत उमर ने अपनी जौजा से कहा कि खुशबू लाओ, मैंने एक औरत की ड्यूटी लगाई है, वो खुशबू तोल तोल के ना तो भाई सब बराबर स्याबा में बांट देगी। तो आपकी जौजा कहने लगी, किसी बीबी की ड्यूटी लगाने की क्या जरूरत थी, मैं जो मौजूद थी मैं बांट देती हूं तोल के भाई सब बराबर। आपने फरमाया नहीं तू रहने दे, वो फलानी बीबी बांटेगी। हुजूर मैंने भी बांटनी है, मेरे पे कुछ हक है। आपने फरमाया नहीं तू तफसील ना पूछ, तू खुशबू दे दे कोई और बांटेगी। खातून ने खाना थी ना, कहने लगी नहीं मुझे भी आज आपको बताना ही पड़ेगा कि कोई जो बांट सकती है तो मैं क्यों नहीं बांट सकती। जौजा कहती उमर ने बात की तो मेरी चीखें निकल गई। हजरत उमर फरमाने लगे जब तू खुशबू बांटेगी ना तेरे हाथों को भी लगेगी, तेरे दुपट्टों को भी लग जाएगी। अगर रब करीम ने मुझसे सवाल पूछा कि उमर खुशबू तो मुसलमानों की थी तेरी बीवी के दुपट्टे को क्यों लग गई, तो मैं अल्लाह के हुजूर क्या जवाब दूंगा। अगर अल्लाह ने यह सवाल किया कि तेरी बीवी ने क्यों लगाई, वो तो हिस्सा था मुसलमानों का, तो तूने तेरी बीवी ने क्यों लगाई। तो फरमाया मैं नहीं चाहता कि अल्लाह के हुजूर मुझे और तुझे बाजपुरस हो, लिहाजा किसी और को बांटने दे। जौजा रोई और तड़प के कहने लगी उमर मुझे लगता है सुबह कयामत भी तेरी बीवी होने की वजह से अल्लाह मुझे जन्नत अता फरमा देगा, तेरी जौजा होने की बरकत से। भाई ये मेयार रखा, खुदा की कसम ऐसा शख्स तारीख में दोबारा नहीं आया। इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा शख्स, इतना बड़ा आदमी, और फिर रंग ये है कि उमर 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान, 22 लाख, और खजूर के दरख्त के नीचे मट्टी का ढेला लेके सो गए हैं, परवाह ही कोई नहीं, कोई मसला ही नहीं। दो गुलाम साथ बैठे तो एक रोटी हजरत उमर ने घर से मंगवाई थोड़ा सा सिरका, तो गुलाम कहने लगे हमने भी खानी है। फरमाया कोई अर्ज नहीं, रोटी को पेट भर के खाना जरूरी तो नहीं, 300 में बांट लेते। एक आदमी आया हुआ था मिस्र का रहने वाला मिलने के लिए, उसने पूछा उमर किधर है, तो कहा वो उधर जाओ मस्जिद में बैठे होंगे। और वापस आया तो कहने लगा वहां तो 3 गुलाम बैठे हैं, एक रोटी बांट बांट के खा रहे हैं, लगता है कई दिनों से रोटी नहीं मिली। कहा 3 गुलाम तो कोई नहीं, वहां 2 ही थे, तीसरे तो अमीरुल मोमिनीन थे। उसने कहा नहीं नहीं 3 गुलाम है, कपड़े भी एक तरह के पहने हुए, बल्कि 2 के तो फिर सही है, तीसरे के तो ज्यादा माड़े हैं, कपड़े भी एक तरह के, खाना पीना भी एक तरह का, और उनका नशिस्त बर्खास्त भी एक तरह की है, लिहाजा कोई फर्क नहीं। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मैं लेके आया और जनाब उमर को जब मैंने कच्ची जमीन में तामत समेट बैठे देखा तो मैं रो पड़ा। मैंने उस मिस्र से आने वाले को कहा तू इसके जलवे देख, अगर इसकी जात में इतना हुसन है तो मोहम्मद अरबी का मकाम क्या होगा। ये मकाम गौर है, मकाम गौर। 10 मुहर्रम को लोग देगे पकाएंगे ना, नहीं पकानी है, कोई बोल दे नहीं हाँ ना नहीं कर दे, प्रोग्राम बदलिया तो नहीं जी ऐद की कि वो एक काम शुरू होया लास्ट टाइट होने वाला, क्यों जी पकड़ी है ना देखें 10 मुहर्रम को इंशाल्लाह, हम भी पकाएंगे इंशाल्लाह, यहाँ भी प्रोग्राम होगा। तो 10 मुहर्रम को जो देख पकनी है तो ऐसा नहीं हो सकता कि यकम मुहर्रम को हजरत उमर के नाम की भी कोई पक जाए।
अगर इमाम हसन हुसैन के नाम की देगे पके तो जो इमाम हसन हुसैन से प्यार करने वाले हैं, जो इमाम हसन हुसैन से, हम लोगों ने भी अजीब रट्टा अपनाया है ना, हम लोग बात का एक पहलू देखते हैं दूसरा नहीं देखते। हजरत इमाम हसन और हुसैन को भी नबी पाक ने शहीद कहा और जनाब उमर को भी रसूलुल्लाह ने खुद शहीद फरमाया, फरमाया शहीद है, खुद फरमाया अपनी जुबान से कि ये शहीद है, खुद मेरा उमर शहीद है। तो उनके नाम की देग नहीं पकनी चाहिए, उस तरफ नहीं हमारी तवज्जो होनी चाहिए। और अहले बैत नबू, ये बात मैं पहले भी करता हूं आज फिर करना जरूरी समझता हूं, अहले बैत का प्यार सुन लो कान खोल के, अहले बैत का प्यार अगर हमें किसी ने सिखाया है तो सैयदना उमर फारूक ने सिखाया है। अहले बैत नबुव्वत की मोहब्बत अगर किसी ने सिखाई है तो किसने सिखाई है, बोल के बताइए, हजरत हजरत उमर ने। अहले बैत का प्यार हमें हजरत उमर ने बोल करके सिखाया है। भाई याद रखें, किसी की ताकत नहीं थी दम मारने की हजरत उमर के सामने, ताकत ही नहीं थी, कैसरो किसरा कांप जाते थे, जरूरत ही नहीं करते थे हजरत। और हमारे तो तल्लुकात बड़े हैं ना गैरों से। हजरत अबू मूसा अशअरी रदी अल्लाह ताला ने फरमाते हैं मेरा मुंशी साई था, वो कातिब कहते थे वो लोग, मेरा हिसाब किताब ईसाई था। तो फरमाते हैं एक दिन मैंने वो सारा हिसाब किताब लेन देन के हजरत उमर को दिखाया तो फरमाने लगे जिसने लिखे हैं उसको बुलाओ। कहने लगे जरूर मस्जिद नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? कहने लगे वो ईसाई है। कहते हैं हजरत उमर जलाल में आ गए। आप फरमाने लगे जिन्हें रब दूर करता है तुम क्यों करीब करते हो, जिन्हें अल्लाह दूर करता है। फरमाया तुम गैरों को अगर ओहदे दोगे तो अपनों का क्या बनेगा, अगर तुम गैरों को ओहदे दोगे तो अपनों का। ये सोच है जो आज बर्मा के मुसलमानों के लिए भी जरूरी है। कहा अगर तुम गैरों को ओहदे दोगे तो अपनों का। हमने गैरों को ओहदे दिए तो देखा ना अपने किस तरह काटे जा रहे हैं। गैरों को जो ओहदे दे दिए जराने सारे गैरों से, रोज दावा होता है चीन हमारा सज्जन है, चीन हमारा दोस्त है। ओ भाई दोस्त है तो उससे कहो ना कि बर्मा तो तुम्हारी एक छोटी सी रियासत है, चीन के बगैर तो वो सांस भी नहीं ले सकता। उसको कहो ना उस हुकूमत पे दबाव डाले। लेकिन हम लोगों ने गैरों को दे दिया तो अपने पिस गए। हजरत उमर कहते थे जिम्मी का हम अदब करेंगे, जिम्मी काफर का हम, ऐसा काफर जो मुसलमान रियासत को कबूल करे, बदअमनी ना फैलाए। एक आदमी को आपने देखा आंखों से नाबीना है और भीख मांग रहा है, तो हजरत उमर को नजर आ गया। फरमाया कौन हो? उसने कहा मैं यहूदी हूं। फरमाया भीख क्यों मांगते हो? कहा जब तक तंदुरुस्त था मुसलमानों को जजिया देता था, बूढ़ा हो गया हूं क्या करूं। हजरत उमर ने घोड़े की पुश्त पे बिठाया काफिर को, घोड़े की पुश्त पे बिठाया और बिठा के मदीने लाए। हजरत अली शेर खुदा वजीर खजाना थे, फरमाया अली इसका वजीफा जारी करो। कहा ये कौन है? फरमाया ये यहूदी है लेकिन ये हमें जजिया देता रहा, बूढ़ा हो गया बेचारा, भीख मांगने पर मजबूर है, हमारी हुकूमत के अंदर रहता है, इसका पूरा पूरा वजीफा, जितना खर्चा उतना वजीफा लगाओ। हजरत अली कहते हैं मैं वजीफा लगा रहा था और वो मेरे नबी का कलमा पढ़ रहा था, वो रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ रहा था। ये मिजाज, ये नहीं कि काफिर। हजरत उमर ने गवर्नरों को खत लिखे थे कि जबरदस्ती किसी को मुसलमान नहीं करना, जहां उनकी इबादत गाहें बनी हो गिरानी नहीं, कोई मंदिर कोई गिरजा जाया नहीं करना। इस्लाम सबको जीने का मौका देता है, पर बेईमानो जालिमो बदजातो तुम्हें यह कहता है कि हम तुम्हें जीने का मौका देते तुम भी मुसलमानों को जीने का मौका दो। ये जहां बसते हैं जहां रहते हैं इन्हें वहां जीने का मौका दो, इन्हें भी अल्लाह अकबर कहने का मौका दो, इन्हें भी कुरान पढ़ने का मौका दो, इन्हें भी रसूलुल्लाह पर दुरूद पढ़ने का मौका दो। हमारे मुल्क में ईसाई अपनी मर्जी से खुलेआम तबलीग करते हैं, यहां तो चैनल चलाए हैं ईसाइयों ने। किसी मजहबी जमात ने कभी जुलूस निकाला कि ईसाइयों का चैनल बंद करो? बोले निकला है कि नहीं निकला? कितने जुल्म की बात है। हम जब गैर को इतना तहफुज देते हैं, इतना तहफुज देते हैं, हमने देखा है मुझे बीसियों लोगों ने ईद पे टेलीफोन किए कि ईसाइयों को कुर्बानी का गोश्त दे ले, मजबूर हैं जी, दरवाजे पे आ गए हैं, हमारे काम काज करते हैं। बीसियों लोग, आम आदमी के दिल में इनका इतना जज्बा है, वो मसाइल का बयान करना एक अलहदा बात, लेकिन हमारे दिल काफर के हक में भी नरम हो जाते हैं। तुम किस कदर ज्यादा बेईमान हो और कुफर किस कदर ज्यादा जलील हो गया है कि मुसलमान के हक में नरम होता ही नहीं। और उससे बड़े जलील वो हैं जो इन जलीलों के सपोर्टर हैं, वो किसी अरब मुल्क के हुक्मरान हो या किसी और जगह के, वो बड़े जलील है जो इन जलीलों के सपोर्टर हैं, जो बर्मा की बच्चियों के कत्ल पर अपनी हुकूमतें चमका रहे हैं,
ने शर्म नहीं आती, इस कदर मुसलमान तड़पा है, लेकिन उन बेगैरतों को जरा होश नहीं आई। और ये उनके कमाश, उनके दलाल जो हर जगह उनकी सपोर्ट करके अपनी हुकूमतें कायम करते हैं, बेईमानों को पता नहीं कि कब इन पर अल्लाह का अजाब उतरेगा और किस तरह इनके परखशे उड़ेंगे। तुम्हें अपनी जिल्लत और रुसवाई नजर नहीं आ रही कि जमीन किस तरह तुम्हारे लिए तंग हो गई है, इससे ज्यादा और तुम्हारी रुसवाई क्या होगी। डरो अल्लाह से, और ये तो दुनिया का अजाब है। इन बदश रब्बिक अल्लाह शदीद, मेरा रब कहता है कयामत तो कायम होने दे। इतना सख्त तेरे रब की पकड़ है, इतनी किसी दूसरे की हो सकती? याद रखें, और थोड़ा एहतियात करें हम सब लोग भी, जो हम लोग आधी जुबान बोल के भी इनकी सपोर्ट करते। अब शर्म आनी चाहिए हमें इन हुकूमतों की सपोर्ट करते, जो मुसलमानों की लाशों के ऊपर हुकूमतें कायम करते हैं, शर्म आनी चाहिए। बहरहाल बात दूर निकल जाएगी और मैं अपने मजमून पर रहता हूं। अहले बैत का प्यार अगर सिखाया है तो जनाबे उमर ने सिखाया है रदी अल्लाह ताला अन्हो, इमाम हसन मिलने। आप यकीन करें, मैं जब इस वाकया को पढ़ता हूं तो मेरा दिल झूम जाता है। मैं कहता हूं यार, डाटा होना अपनी जगह पे, इश्क होना अपनी जगह पे, इंसान का बावकार होना अपनी जगह, जहां खड़े होना था वहां ये खड़े होते थे और जहां झुकना था वहां ये। इन लोगों में इकबाल ने कहा था, तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा गए, अकले की याबो जुस्त जू इश्के हुजूरो इस तरह। जहां अगर आया है सामने कैसरो किसरा तो उमर जैसा दलेर कोई नहीं, अगर सामने आया ईरान का बादशाह तो उमर जैसा तगड़ा कोई नहीं, अगर आया है सामने गुस्सान का बादशाह तो उमर जैसा आदिल कोई नहीं, लेकिन अगर अली का बेटा आया है, अगर फातिमा के लाल पारे आए हैं, तो फिर फारूक आजम से जैसा मुहिब कोई नहीं, फिर उनसे जैसा प्यार करने वाला कोई नहीं। अंदर बैठे हैं जनाब उमर, अंदर तनाई में कुछ वजीरों से गुफ्तगू हो रही है, मीटिंगें जा रही हैं। आपके बेटे मिलने आए जनाबे अब्दुल्ला इब्ने उमर, अब्बा जी मिलने आए, बात ठहरो बात कर रहा हूं, कोई ना अंदर आए। साहबजादा बाहर खड़ा है, थोड़ी देर गुजरी तो इमाम हसन भी आ गए। कौन आए? आपको जो मिलेगा इमाम साहब का नाम लेने से, वो सरदार हैं जन्नतियों। कौन आए? सारे बोलिए इमाम हसन। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना। इमाम हसन आए तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर को दरवाजे पे खड़े देखा, कामिरुल मोमिनीन कहाँ है? कहने लगे हजरत उमर के बेटे। कहने लगे वो अंदर बैठे, कुछ मीटिंग हो रही है और उन्होंने कहा है कोई अंदर ना आए, लेकिन आप जाना चाहें तो चले जाएं, आप जाना चाहें तो, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर, आप जाना चाहें तो चले जाएं। तो उन्होंने कहा जब आप बाहर खड़े हैं तो मुझे कोई इतना जरूरी काम नहीं, और अभी जोर की नमाज थोड़ी देर में होगी, मैं मस्जिद में मिल लूंगा अमीरुल मोमिनीन से। ये बात कह के इमाम हसन चले गए। यार इतनी बड़ी बात नहीं थी, इतनी बड़ी बात नहीं थी, वो मेरे उस्तादों का बेटा भी आया तो कहा ठीक है जी, वो सोए हुए हैं, कोई गर्ज नहीं यार, मैं ठहर के आ जाऊंगा, कोई बड़ी बात नहीं थी, देखा जाए तो बड़ी बात नहीं थी, पर बात बहुत बड़ी थी, इसलिए कि ये खाली हसन नहीं, ये हसन इब्ने अली है, ये हजरत फातिमा के लखते जिगर। हजरत उमर बाहर निकले, अब्दुल्ला इब्ने उमर से पूछा कोई आया तो नहीं? तो कहा हुजूर इमाम हसन आए थे। तो कहा फिर शहजादे को अंदर क्यों नहीं भेजा? कहा मैंने कहा था। वो कहने लगे अगर अमीरुल मोमिनीन मसरूफ हैं तो मैं जोहर में मिल लूंगा। हजरत उमर रोने लगे, फरमाया बेटे तूने अच्छा नहीं किया। फिर मस्जिद नहीं गए, सीधे इमाम हसन के दरवाजे दस्तक दी। इमाम हसन बाहर आए, कहा शहजादे आए थे तो मिले क्यों नहीं? तो इमाम हसन कहने लगे हुजूर आपका अपना बेटा दरवाजे पे खड़ा था, आपका अपना बेटा दरवाजे पे खड़ा था, वो मना भी किया था आपने तो मैं जोर में मिल लेता। हजरत इमाम हसन फरमाते जोशे जज्बात में जनाबे उमर ने सर से पगड़ी उतार दी, जोश जज्बात में कहने लगे हसन मेरे बेटे का और आपका क्या मुकाबला? क्या उसकी मां का नाम फातिमा तज़ारा है? क्या उसकी नानी का नाम खतीजतुल कुबरा है? क्या उसके नाने का नाम मोहम्मद मुस्तफा है? आपका और उसका क्या मुकाबला? फिर रो पड़े और कहने लगे बेटे मैं मक्के के सेराओं में ऊंट चराया करता था, ये जो मेरे सर पर इज्जत के बाल है ये तेरे नाने के उगाए हुए, मैं मक्के के, खबरदार शहजादे खबरदार। ओ भाई अहले बैत नबुव्वत के अदब का रंग अगर सिखाया है तो सैयदना उमर ने सिखाया है। हजरत उमर फारूक अथॉरिटी है, इस्लाम की अथॉरिटी। यकम
मुहर्रम हजरत उमर की शहादत है। यहूदी बोल उठा, काफिर बोल उठा, अगर 6 महीने उमर दुनिया में और रहते तो दुनिया में कोई काफिर मौजूद ना होता, 6 महीने। और जब इस बतले जलील का जनाजा उठा, अल्लाह बुखारी पढ़िए ना, अल्लाह मरजुकना शहादतन फी सबीलिक, अल्लाह बिस्तरे की मौत ना देना, शहादत की देना। उमर शहीद हुए, मस्जिद नबी में नमाज पढ़ाते, और जब जनाजा उठा तो मदीने का फिर पीछे जो दलेर बचे वो मौला अली थे। मौला अली जनाब उमर का जनाजा उठा तो सबसे पहली हाय जो निकली वो हजरत अली की जुबान से निकली, और हजरत अली सारी दाढ़ी आंसुओं से भर गई। लोगों ने कहा कि अली क्या हुआ, फरमाने लगे तुम देख नहीं रहे जनाजा किसका उठा है, पलट के देखो तो सही, तुम पता नहीं है कौन गया है। हुजूर क्या हुआ, आप फरमाने लगे उमर इस तरह के काम करके गया है, अब इनके रस्तों पे कौन चलेगा, कौन इसके जिगर राहे वफा में, मैं नक्श ऐसे छोड़ आया हूँ, मैं जिस मंजिल से गुजरा हूँ वो अब तक याद करती है। हजरत अली हजरत उमर के जनाजे पे खड़े होकर कहते हैं अल्लाह मुझे उस तरह के अमल करने की तौफीक दे जिस तरह के उमर करके गया। मेरे भाई ये बतले अजीज बतले हुर्रियत हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो जो अपनी जिंदगी इनकलाब वाली गुजार के गए। उमर जब दुनिया से गए तो 80 दिनार का कर्जा था, 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान, और अपने बेटे से कहने लगे बेटे कोशिश करना तेरे खानदान वाले मिलके मेरा कर्जा उतार दे, मेरी कब्र पे बोझ ना रहे, और अगर खानदान वाले मदद ना करें तो मेरे दोस्तों से बात करना, वो मदद ना करें तो फिर अली से बात करना। इनका प्यार आपस में इतना और तू इख्तलाफ साबित कर रहा। 80 दिनार का कर्जा छोड़कर हजरत उमर दुनिया से गए, और जाती दफा कह गए मेरे बाद मेरे बच्चों को हुकूमत के मशवरे में भी शामिल ना करना, हुकूमत के मशवरे में भी मेरी औलाद शामिल ना हो। इतना बड़ा शख्स इतना बड़ा रंग दे के यकम मुहर्रम को जब उम्र फारूक का विशाल हुआ तो बेटे से कहने लगे अम्मा आयशा से जाके कहो मेरा भी नबी पाक के रोजे में दफन होने को दिल करता है, एक कब्र की जगह है अम्मा जी ने अपने लिए रखी है। बुखारी या बुखारी हजरत आयशा के पास साहबजादे गए, कहने लगे अम्मा जी उमर को जख्म लग गया है, हालत बड़ी परेशानी वाली है। वो कहते हैं अगर अम्मा इजाजत दें, सैयद आयशा रो पड़ी, फरमाने लगी कि वो अपनी कब्र की जगह तो नहीं ना किसी को देता, पर उमर ने कमाल ही बड़ा किया, उसे कहो जाओ गुंबद खजरा में कयामत तक जो मुस्तफा पे और अबू बकर पे सलाम पड़ेगा वो तुझ पे भी सलाम पड़ के जाएगा, जाओ मैंने जगह दी।